ऑलरेडी क्लॉक रूम है, यही गाड़ी है जाएगी और जंगल चट्टी भी नहीं पहुंचे। ये है रास्ता। तो भैया रास्ते तो दुर्गम है पर आप देख रहे हो धीरे धीरे कदमों से ऊपर भगवान भोलेनाथ के द्वार की ओर बढ़ते हुए। एक हमने टेंट लिया है और यहीं पे आराम करने वाले हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों। सो रात को थकने के बाद हमें यही टेंट मिला था, इसी में हमने विश्राम करने का सोचा। हमने क्या सारे ग्रुप ने सारे के सारे इसी में आ गए। ठंड इतनी थी कि कम जगह भी कम पड़ी नहीं। सारे के अपने स्लीपिंग बैग बहुत अच्छे थे। इतनी गर्मी कुछ कहने का नहीं। ओ वाह, आप नज़ारा देख सकते हो सामने ग्लेशियर माउंटेन और ये थोड़ी थोड़ी जो पीली रोशनी आ रही है पहाड़ों के ऊपर। दृश्य वाकई में बहुत अद्भुत है और अच्छी नींद भी आई है। रात में तो काफ़ी मसल्स वगैरह दर्द दे रहे थे तो 12 बजे तक तो ढंग से सो नहीं पाया हूँ, लेकिन उसके बाद हमने पैरासीटामोल लिया तो बिल्कुल फिट हो गया हूँ। तो यहीं पे कल रात हमने खाना पीना खाया था, आपको दिखा रहे थे जो मैगी बन रही है। यही गर्माहट यही एनर्जी देगा है कि नहीं भैया? मैगी की जर्नी कंटिन्यू करते हैं और बने रहिए हमारे साथ। सो इन दिस वे हम छानी कैंप पहुंच गए हैं, जो कि हमारा कल रात का डेस्टिनेशन था। हम लोग अपने डेस्टिनेशन से करीब करीब 200 मीटर 100 मीटर पीछे हो रहे हैं और धीरे धीरे हम ग्लेशियर की तरफ बढ़ते हुए पहुंचते हुए। ये लास्ट की चढ़ाई वाकई में बहुत टफ है यार, बट वो जो ग्लेशियर देखिए अजब कुछ खूबसूरत लग रहा है। पहाड़ों पे वो जो रोशनी अलग ही लग रही है, घोड़े वगैरह अलग ही आ रहे हैं घंटी बजाते हुए। सही हाय हेलो, नो रिस्पॉन्स। ये सुबह सुबह की सबसे अच्छी चीज़ है जो धूप लग रहा है ना कि अपन ही जादू हो गए क्रिस के, तो अच्छी लग रही है। जो ठंड महसूस हो रही थी काफ़ी देर से वो ज़्यादा लग नहीं रही है। और सामने में हमारे ग्लेशियर और ये रास्ता भी थोड़ा सा ढलान टाइप का आ गया है, बड़ा ही अच्छा लग रहा है यार। धूप तो वाकई में लग रहा है कि यहीं बैठ के सीखूं आराम से, इसका मतलब केदारनाथ में अच्छी धूप रहेगी आज। और हम लोग लगी थोड़े रहे हैं कि बारिश वगैरह थोड़ा हुआ नहीं है ज़्यादा, रात में थोड़ी बहुत हो रही थी तो इसलिए हमने फटाफट सोचा कि या कहीं आगे जाऊँ और बारिश तेज हो जाए, इसलिए हमने फटाफट अपने टेंट लिया और वहीं विश्राम किया। टेंट भी बड़ा सस्ता था यार, 200 रुपये पर हेड। आराम से हम लोग आ गए, सब कोई दिक्कत नहीं हुआ। और ये देखो बर्बादी के मंजर, इसी रास्ते से गए थे क्रॉस होके। ये रास्ता किसी बनाया नहीं है, प्रकृति ने बनाया इस तरीके से इन्होंने। और पहले का वो जो दिख रहा है वही रास्ता जाती थी ऊपर की तरफ, ये तो न्यू रास्ता है। सो आइए कंप्लीट करते हैं इस जर्नी को धीरे धीरे ही। ग्लेशियर, कितना प्यारा व्यू है ये। शायद लगता है ठंड में ये ग्लेशियरों का रास्ता है, अद्भुत। कम ऑन गाइस, अब यहाँ से चढ़ाई बढ़ गई है। सो भाइयों ऑलमोस्ट बेस कैंप आ गया है। बेस कैंप अभी भी फिलहाल की 500 मीटर दूर है, बट यहाँ से क्या है सीधी है, कोई चढ़ाई वाला है नहीं। तो आशा करता हूँ कि बड़ा आसान होगा। तब तक मैं अपने जरा मित्रों का वेट कर लेता हूँ और इस दरमियान में सोचा थोड़ा आपसे बातें भी कर लूँ। और देखिए नज़ारा कितना खूबसूरत।
आइए इंतज़ार करते हैं और आखिरी मंजिल तक पहुंचते हैं बाबा के धाम में। कम ऑन गाइस। दोस्तों मंदिर के जस्ट नज़दीक हैं हम और ये बगल में मेरे पीछे आप देख रहे हो ये हेलीपैड है। जी हाँ, हेलीकॉप्टर की भी बहुत अच्छी सुविधा है। खैर इस साल तो कोविड की वजह से नहीं चल रहा हेलीकॉप्टर, बिल्कुल बंद ही कर दिया उन्होंने, लेकिन आप आम दिनों में आप ऑनलाइन हेलीकॉप्टर की बुकिंग करोगे, पवन हेलीपैड के सारे हैं, आपको मिल जाएंगे ऑनलाइन, बहुत सस्ता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आए। और चलो अब बाबा तक पहुँच ही जाते हैं किसी तरीके से। सो फाइनली हम लोग मंदिर के जस्ट सामने हैं और ये यार पूरा हुआ, पहला स्टॉपेज है, 3-4 दिन इसी में लग गए हैं। सो आइए इस अद्भुत नज़ारे का और भगवान के दर्शन का आनंद लेते हैं। कम ऑन गाइस। इस तरीके से हुए केदारनाथ के मंदिर और अभी तो फिलहाल ये जो पट है वो बंद है, करीब 4 बजे के आसपास खुलेगा, 6 बजे के आसपास आरती होगी। बड़ा ही रमणीक जगह यार, बहुत ही खूबसूरत। इनफैक्ट सच कहो तो इससे बेहतर मैंने कभी नहीं देखा था अपनी ज़िंदगी में कुछ भी। आई एम लविंग दिस वन। सो आइए आपको दर्शन करवाते हैं एक बहुत अच्छी चीज़ का। जी हाँ, भीमशिला का आप देख रहे होंगे वहाँ पे। इसी के पत्थर के बारे में कहा जाता है कि ये वही पत्थर है जिसने आपदा के टाइम में जो तेज़ धार थी पानी की, उस धार को उसने डिवाइड किया था और मंदिर को बचाया था। वैसे यार भोले भंडारी हैं, कुछ भी हो सकता है। सो आइए दर्शन करते हैं अच्छी तरीके से। जी हाँ दोस्तों, यही वो पत्थर है, इसका नाम रख दिया गया है भीमशिला। एक्चुअली भीमशिला इस जितने भी 5 केदार हैं इन सारे मंदिरों का इतिहास जो है वो माबाद से जुड़ा हुआ है। बड़ा ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत है यार, आप ज़रूर आओ इस जगह को, बहुत ही खूबसूरत है। सो आइए दर्शन कीजिए, शाम में कोशिश करूँगा आरती का दर्शन करवाने का, अभी तो कपाट भी नहीं खुले हैं, कोशिश करेंगे इन कैमरों के माध्यम से, हालांकि अभी अलाव है नहीं जाना, किया जाएगा दर्शन का। कम ऑन गाइज़।